Hello everyone, this is Umang here and today I'm gonna show you how to make a simple grim art using Autodesk Sketchbook Pro. मैंने ये आर्ट पहले भी बनाया था तो आप आई बटन में या फिर एंड कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में वो जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो और उस वीडियो में कमेंट किया था Sketchbook Pro के ऑफिशियल YouTube हैंडल ने। स्केचबुक को ओपन करने के बाद फोटो को इंपोर्ट कर लो एंड फोटो को लास्ट वाली लेयर पे स्लाइड कर लो। ओपेसिटी को हल्की सी रिड्यूस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिड्यूस करनी है या नहीं। सो फोटो को प्रॉपरली एडजस्ट करने के बाद न्यू एम्प्टी लेयर सिलेक्ट कर लो। न्यू एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करने के बाद मेक सम ड्रिपिंग शेप्स। यहाँ पर मैं ड्रिपिंग शेप्स क्रिएट करूंगा, अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हियर आई एम डन विथ माई सिंपल ग्रिम आर्ट। अब मैं बैकग्राउंड फोटो की ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। ये सिंपल है, देखने में भी अच्छा है, बट इसे क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है, तो बी पेशेंट फॉर दैट। एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे लिप्स पे कर रहा हूँ। इट्स टोटली अपन योर्स। It's looking fine. So that's it guys, thank you so much for watching. I really appreciate it. If you like this video, hit that like button and bhai comment karo and batao ki aapko kaisa laga ye video. I love hearing from you guys and thodi baatcheet bhi ho jayegi. And I will see you in the next one. Bye.